नमस्कार साथियों, आज एक गंभीर मुद्दे पे हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में क्या ऐसा माहौल बन रहा है कि इस वजह से इंडिया के जो करोड़पति लोग हैं जिनका इंडिया की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है, हकीकत में देखा जाए तो भाई इनका ही सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। आम आदमी इतने टैक्स नहीं दे पाते जितने ये बड़े उद्योगपति अरबपति हैं वो टैक्स देते हैं। जी हाँ, अगर इसी तरह से लोग जॉब इंडिया छोड़ के विदेश जाने लग गए तो इंडिया में आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं। जी हाँ, बता दूँ पिछले 5 सालों में 2014 से लेके 2019 तक की अगर बात करें तो लगभग 29,000 अमीरों ने देश छोड़ दिया। जो करोड़पति थे 29,000 लोगों ने इंडिया छोड़ के विदेशों में चले गए। जी हाँ, और 2021 में हजारों लोगों की और तैयारी। इसका कारण क्या होता है, क्या हो सकता है? जी हाँ, ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू एक रिपोर्ट एक वेबसाइट है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि 2020 में 2019 से ज़्यादा 65% इंक्वायरी ज़्यादा आई, यानी 2019 से ज़्यादा 2020 में आपको पता है कोरोना का माहौल था और इस वजह से लोगों के मन में एक भय होता है कि यार क्या होगा हमारा। जो करोड़पति पैसे वाले जिनके बिजनेस होते हैं उनको ज़्यादा भय होता है, आम आदमी को इतने फर्क नहीं पड़ता। 65% ज़्यादा इंक्वायरी आई कि सबसे 2021 में भी उनसे ज़्यादा देश छोड़ सकते हैं। जी हाँ, ये उनकी एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। 2015 से लेके 2019 तक की जो रिपोर्ट है 29,000 लोगों ने देश छोड़ दिया। जी हाँ, अब आगे हम बात करेंगे कि देश छोड़ने का कारण क्या हो सकता है। अभी अपन अगर बात करें रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है जैसे कनाडा है, पुर्तगाल है, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, तुर्की, यूएस, यूके की सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आती है। इन देशों में लोग सबसे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। हालांकि गल्फ देशों में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है रहने के लिए। जी हाँ, क्योंकि एक तो वहाँ पे कानून अलग है, आपको पता है राजाशाही शासन है, वहाँ पे आदमी इतना खुल के नहीं जी सकता, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा है, छोटी देश है, इस वजह से वहाँ पे इतना उद्योग से रिलेटेड इतना नहीं है, इस वजह से ये लोग वहाँ पे नहीं जाना पसंद करते। जी हाँ, अब देखिए इन देशों में लोगों की सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आई, दो तरीके से लोग वहाँ पे जाके जाने की कोशिश करते हैं। देखिए दो ऑप्शन होते हैं आप लोगों के पास, आम आदमी नहीं जा सकता भाई, उनके सपने होते हैं भूल जाओ आप। निवेश पहला ऑप्शन है, अगर आप इन देशों में जाना चाहते हैं तो आप निवेश करो करोड़ों रुपए में तो आपको तुरंत नागरिकता मिल जाएगी, या फिर निवेश नहीं करना चाहते तो आप मोटा पैसा दो, यानी वहाँ उस देश में जाने के लिए आपको नागरिकता लेने के लिए मोटा पैसा देना पड़ता है। जैसे अपन बात करें यूएसए ग्रीन वीज़ा, अगर आप यूएसए का ग्रीन वीज़ा अमेरिका का लेना चाहते हैं, वैसे इंडिया के बहुत सारे 5 लाख से ऊपर लोग पेंडिंग में पड़े हैं 10 साल से ग्रीन वीज़ा लेने के लिए, लेकिन वो जॉब के हिसाब से लेना चाहते हैं। अगर आपको अमेरिका जाना है, पैसा आपके पास है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6.5 करोड़ इंडियन करेंसी आपके पास होनी चाहिए, आप अमेरिका जाओ आपको तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। जी हाँ, यूके की बात करें, इंग्लैंड वर्ल्ड में सबसे महंगा है भाई, इस बात का ध्यान रखिए, 18 करोड़ रुपए आपके पास हैं तो आप यूके इंग्लैंड जाके बस सकते हैं, आपको तुरंत नागरिकता मिल सकती है। जी हाँ, न्यूजीलैंड के 11 करोड़ रुपए लगते हैं नागरिकता लेने के लिए। सेंट किट्स और नेरविस और डोनिमिका, ये कुछ कोरबियाई देश हैं, इनमें मात्र 72 लाख यानी 72 लाख रुपये दे के आप निवेश करते हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। ये प्रोसेस है भाई इन देशों में जाने का। अब आम आदमी तो आप सपना छोड़ दो भाई आप कि हम जाके वहाँ पे बस सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई देश छोड़ने के क्या कारण है, ये जो पूंजीपति लोग हैं इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं, इनको इंडिया छोड़ने से हम लोगों को क्या नुकसान होने वाला आगे आने वाले समय पे। जी हाँ, हम यहाँ पे बात करते हैं भाई कि देश छोड़ने का क्या कारण है। देखिए कारण क्या है, एक तो अवसरों की कमी है, जो लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन उनको सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, नियम इतने हार्ड हैं, इनकी वजह से उनको उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा, उनको अवसर नहीं मिल पा रहे, एक तो ये रीज़न है। दूसरी, इंडिया का सबसे बड़ा रीज़न है राजनीतिक दखलंदाजी। जी हाँ, राजनीतिक जो अव्यवस्था ना, ये इतनी ख़राब है कि कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई करोड़ों इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता परमिशन ऐसे नहीं मिलती, इनके चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो उनका 10% 20% तब जाके इनका सेटिंग हो पाती है। तो राजनीतिक अव्यवस्था इंडिया में इतनी ज़्यादा ख़राब है, सब लोगों को पता इस तरह। इंडिया में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है भाई, टोटल काम जहां पे आपका 10,000 रुपए लगा के काम होता है उसको 20,000 लगाओगे तब जाके वो काम पूरा होगा, भ्रष्टाचार का इतना ज्यादा बोलबाला है, सब जगह घूस देनी पड़ती है, बिना घूस के आपका काम नहीं होता है। आप दूर मत जाओ, हमारे राजस्थान में पेट्रोल पंप मिल रहे हैं, आपके स्टेटों में भी मिल रहे होंगे, बता दूं कलेक्टर से सब जगह से पास करवाने के 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए देना पड़ता है तब जाके उनका पेट्रोल पंप पास होता है, ये स्थिति है भ्रष्टाचार की। जी हाँ, प्रदूषण इंडिया में कमी नहीं है भाई, सबसे ज्यादा इंडिया में प्रदूषण है। अब विदेश में जाके बसने के कारण क्या है, एक तो बेहतर सुविधा मिल जाती है वहां पे, आपको सबको पता है विदेशों में बेहतर सुविधा मिलती है, हेल्थ केयर सबसे बड़ा है, हेल्थ केयर मेडिकल से रिलेटेड। पूंजीपतियों का मानना है कि हमारा सबसे ज्यादा टैक्स जाके कोरोना काल में देखा होगा लोगों को गैस सिलेंडर ऑक्सीजन तक
नहीं मिली थी, काफ़ी सारे लोगों की मौत इस वजह से हो गई, वो सोचते हैं कि यार हम टैक्स देने के बावजूद सरकार हमारी हेल्प नहीं कर पाती है, हमें मेडिकल सुविधा नहीं दे पा रही है, तो यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिजनेस के अनुकूल वहाँ पे माहौल बन जाता है, मिल जाता है। विदेश में अगर जाओगे तो आराम से आपका पास पैसा है, आराम से सेटिंग कर लो, कोई बात नहीं है। खासतौर से अगर दुबई में लोग रहते हैं, कितने आसानी से आपको आपका बिजनेस बन जाता है। प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है विदेशों में। टैक्स बचाने का भी एक तरीका होता है कि भाई देश छोड़ने के कारण टैक्स बचता है, वो हम आगे बात करेंगे। विवादित संपत्ति का बेचना, यानी संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसको बेचना, विदेशों में है या यहाँ है तो उसको भी एक कारण है देश छोड़ने का। जी हाँ, बात करें लोग अमेरिका में जाके बसना क्यों नहीं चाहते। अमेरिका में वही लोग बस रहे हैं जो यहां से गए, उनको ग्रीन वीजा मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल चुका है, वही है। बाकी पैसा देके या बिजनेसमैन बहुत कम है अमेरिका में कि यहाँ से गए, क्योंकि एक तो पहले $5 लाख का देना होता था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के $9 लाख कर दिया। $9 लाख अगर आपके पास हैं तो आप अमेरिका में जाके बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। एक सबसे बड़े और कारण है आपको मैं बता दूँ कि इंडिया के जो अरबपति करोड़पति लोग हैं विदेश जाके क्यों बसना चाहते हैं, इसका एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है। देख सकते हैं आपकी अमीर लोग अपना व्यापार विदेशों में लेके जाते हैं, जैसे यहाँ से चले गए तो वहाँ बिजनेस लेके जाते हैं, लेकिन वो पूरा बिजनेस नहीं लेके जाते, कुछ काम उनका इंडिया में होता है, आधा बिजनेस इंडिया में होता है, कुछ समय के लिए विदेश में रहकर NRI बन जाते हैं। आपने देखा होगा NRI भाई, वो तो NRI है। NRI का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? NRI आदमी इंडिया में रह के अपना कोई बिजनेस करता है तो उसके कॉरपोरेट जो टैक्स होता है वो नहीं लगता है, सबसे बड़ा टैक्स का रीजन बनता है। इस वजह से लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से रह के इंडिया में, वहाँ दोनों जगह ऑपरेट करते हैं अपना बिजनेस, NRI बन जाते हैं, इसकी वजह से इंडिया में उनको टैक्स नहीं देना पड़ता जो करोड़ों में होता है, सबसे बड़ा उनको ये फायदा होता है, इस वजह से वो इंडिया छोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, एक रीज़न ये हो सकता है संपत्ति का विवाद हो जाए, विदेश में प्रॉब्लम हो जाए तो इंडिया आके बैठ जाएंगे, इंडिया में प्रॉब्लम हो जाए तो विदेश जाके बैठ जाते हैं। विजय माल्या, ये नीरव मोदी फोदी, कौन कितने चले गए भाग गए, दोनों जगह था ना इनकी नागरिकता थी, वहाँ पे यहाँ पे घोटाला करके वहाँ भाग गए, वहाँ बैठे हैं, समझ रहे हो, वहाँ कोई घोटाला करेंगे तो इंडिया में आके बैठ जाएंगे, ये भी इनका एक सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, देश को नुकसान क्या है भाई, देश को नुकसान सबसे बड़ा टैक्स का नुकसान है, क्योंकि इसी तरह से करोड़पति लोगों की वजह से टैक्स मिलता है, ये विदेशों में जाके बैठेंगे और वहाँ बैठ के NRI बन के भी इंडिया में बिजनेस करेंगे तो भी उनको टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स फिर माफ हो जाता है NRI बनते ही। सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम आएगी जॉब में। जी हाँ, जो आप लोगों को इनके फैक्ट्री में कहीं पर भी ये इनका बिजनेस होता है तो काम रोबोट तो नहीं करते, काम इंसानों को काम करना होता है। अगर ये इसी तरह से जाने लगे तो इंडिया में नौकरियों की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर खत्म होते हैं तो फिर जॉब कहाँ से मिलेगी। देश के विकास में कमी, क्योंकि टैक्स होता है, टैक्स देश का विकास होता है, तो आपको पता है फिर देश के विकास में कमी आने वाली है, तो ये इस तरह से कुछ नुकसान होता है। तो ये एक प्लानिंग है कुछ इंडिया के नेताओं की कमी, भ्रष्टाचार, कुछ ये अपने खुद का लालच होता है। तो ये एक सबसे बड़े जोड़ है भाई, ये मैंने आपको कारण रीजन वगैरह बता दिए, इस वजह से इंडिया के करोड़पति लखपति हैं जो इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं। जी हाँ, बस आगे आने वाले टाइम पर भी इस टॉपिक में हम एक वीडियो और बनाएंगे, वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय